ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग में नस बंद हो जाती है और या फिर ब्रेन हेमरेज जिसमें दिमाग में नस फट जाती है। एक और तरह का स्ट्रोक होता है जिसमें दिमाग में नस थोड़ी देर के लिए बंद होती है लेकिन खुल जाती है। शायद एक यही एक एंटिटी है जिसके परिणाम अच्छे होते हैं और हम लोग झाड़ फूँक पर भरोसा करते हैं जो अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन इस झाड़ फूँक के रहते जो बाकी जो स्ट्रोक है जिसमें जान जाने का भी खतरा होता है, हमेशा आदमी लकवाग्रस्त हो जाता है और आवाज़ चली जाती है, उसके भी इलाज के लिए हम झाड़ फूँक के पास जा करके हम लोग स्ट्रोक की बीमारी को लाइलाज कर देते हैं। अगर हम टाइम पे आ जाएं और 3 से 4 घंटे पे इलाज शुरू कर पाएं तो हम लोग दिमाग में जो नस बंद हुई है उसे हम खोल सकते हैं और मरीज़ का जो आवाज़ गई है, मरीज़ का जो हाथ पांव की ताकत गई है वो वापस आ सकती है। आइए हम समाज को जागरूक करें और स्ट्रोक का ट्रीटमेंट समय पर प्रारंभ करें।